बोला जा रहा था कि वो गलत सलत काम भी किए हैं, ऐसा भी कुछ हुआ है आपके साथ? वो हाँ जबरदस्ती किए हैं, हाँ आपका उसमें मन नहीं था? नहीं 40-45 साल के बूढ़े के साथ रहना है 11 साल की लड़की को? किसी के वीडियो में बोली थी ना कि महेंद्र पांडे जब आ जाएंगे तो हम उन्हीं से शादी करेंगे या उन्हीं के साथ रहेंगे, बोली थी ना? हाँ महेंद्र पांडे जब बेटी बना के ले गए थे तो आपके मांग में सिंदूर क्यों था? वह शादी कर लिए थे इसीलिए था। तो बेटी बना के ले गए थे तो शादी क्यों कर लिए फिर वो? अजय ना गाड़ी देबे कतरा कर कमी कर दे गाड़ी देले पर हम जे बारिश ही वाल में एकरा के गाड़ी के हमको जूते खरीदना था तो उनके घर पे गए थे ना, तो हम तो वो बोल रहे थे कि तुम नहीं जाओगी मतलब घर पे। ये लड़की के आंखों में भी आंसू है लेकिन अब ये क्यों रो रही है, अपनी माँ का रोना देख के रो रही है कि क्यों रो रही है, अब ये ही जाने क्यों रो रही हो तुम? महेंद्र पांडे से पैसा ली थी आपकी मम्मी? हाँ। कितना पैसा ली? 1-2 हजार रुपए ली थी। 1-2 हजार ली थी? हाँ। तो क्यों 1-2 हजार रुपया ली थी उनसे? कहता कि हम तार लड़की कहीं लेके जाता नहीं तो हमें को आशा पड़ रही तो तू गए डायरेक्ट लेके भाग गलो, हम जाके मायरा सा लड़की लेके हम चलिए हम घर। बयान पे बयान आप अपना बदलती रह रही हैं, रोज कल कुछ और, आज कुछ और, परसों कुछ और, उससे पहले कुछ और, ऐसे आप क्यों बोल रही हैं? आपसे शादी कर लेंगे तो आपके मम्मी को पैसा वैसा देते रहेंगे। अभी हम मैरवा के सैनी छापर में हैं और आप लोग देख सकते हैं कि ये लड़की जो है कि पूरे भारत में और बिहार में वायरल हो रही है। और आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या है ये भी आपको पता है? ये लड़की है और इस लड़की की माँ वो है और यही वो परिवार है जो लड़की आज कई दिनों से, 2-4 दिनों से बिहार और पूरे भारत में जो कि वायरल हो रही है। अब ये लड़की अपने घर आ गई है, उस पांडे जी के घर से अपने घर आ गई है और पांडे जी जो है कि वो जेल में है। बाकी हम पूछेंगे कि लड़की क्यों चली गई, कैसे चली गई और क्या हुआ और जितना दिन ये पांडे जी के साथ रही इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये सारा कुछ जो है पूरा बिहार जानना चाहता है कि आखिर लड़की वहां गई कैसे और क्या स्थिति रहा, लड़की के साथ क्या हुआ, सारा कुछ जानना चाहते हैं आप लोग। तो ये जानकारी आप लोगों को मालूम चलेगी। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो पहले बताओ कि तुम कैसे चली गई वहां पे? वहाँ पे बेटी बना कर ले गए थे। कौन बेटी बना कर ले गए थे? महेंद्र पांडे जी। महेंद्र पांडे जी ले गए थे? तुम्हारी मम्मी पे आरोप लगाया जा रहा कि तुम्हारी मम्मी कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए बेच दी थी, क्या ये सही बात है? नहीं। तो पहले जो वीडियो वायरल हुआ था तो उसमें तो तुम बोल रही थी कि ये बेच दी है मम्मी हमको? नहीं। वो वीडियो है हमारे पास, वो वीडियो लगा के हम दिखाए हैं। उस टाइम क्यों बोल रही थी कि बेच दी है? क्या सिखा जिंदगी का गोल बनाए कोई बेची कभी जिंदगी में लड़की बेची ना अपन कोई, लेकिन ई आरोप जब लगावल जाता है लड़की सकरले, लड़की जब सकरले भी है तो मतलब कहीं ना कहीं बेचले हो ना? गांव के लोग हमारा गांव के लोग लगे। हाँ अच्छा तू बताओ बुची, मने तारा के तार मम्मी पैसा खाती बेचले रहली कि तू अपना मन से गई रहलू चाहे वो बेटी बना के ले गई? बेटी बना कर ले गए। तो आप क्यों पहले बोली थी पिछले वीडियो में क्यों बोली थी कि मम्मी बेची है पैसों के लिए? डर से। डर से? किसके डर से? गांव के लोग से। कौन गांव के लोग? यहाँ के गांव के लोग? क्यों वहाँ गांव के गांव के लोग? यहाँ के गांव के लोग से डरना क्या था कि बेटी बनाया है कि पैसा से बेची है, क्यों डरना था? गांव के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इनको धमकी देते हैं मारने पिटने का। आपकी मम्मी को? यहाँ गांव के लोग? हाँ। मतलब कि बोलिए कि वो बेची है नहीं तो हम मार देंगे? हाँ। तो क्यों गांव के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं ये हमको नहीं पता है। ये देखिए बहुत ही नया खुलासा ये लड़की कर रही है। अब ये लड़की मनगढ़ंत बातें बना रही है कि नया खुलासा कर रही है ये तो ऊपर वाले भगवान ही जानेंगे, लेकिन अभी पहले वीडियो में जो फर्स्ट में वीडियो वायरल हुआ था उसमें लड़की बोली थी एक बार कि जो है कि बेची है मेरी मम्मी जो है कि बेची है, लेकिन अभी ये लड़की जो है कि बोल रही है कि गांव के लोग के जो है कि प्रताड़ना की वजह से गांव के लोग धमकी देते थे इसलिए हम बोल दिए हैं कि बेची है, बाकी बेची नहीं है, वो लड़की बना के महेंद्र पांडे ले गए थे, ये सही बात है? हाँ। दबाव में आके नहीं ना बोल रही हो? नहीं। कुछ दबाव नहीं ना है? नहीं। किसी भी तरह का? नहीं। अच्छा तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ? महेंद्र पांडे बेटी बना के जब ले गए थे तो फिर पत्नी कैसे बना ली है? पत्नी कैसे बन गई थी तुम उनकी? बाबू हट जाओ थोड़ा, उसको हटा दीजिए ना। बताओ, डरो डरो मत, हम तुमको यहाँ कुछ करने नहीं आए हैं, ये मत आप समझो कि हम आपको कुछ करेंगे या ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे, आप डरिए मत, आप एकदम अच्छे तरीके से बता सकती हैं वहां पे क्या क्या हुआ। महेंद्र पांडे जब बेटी बना के ले गए थे तो आपके मांग में सिंदूर क्यों था? वह शादी कर लिए थे इसीलिए था। तो बेटी बना के ले गए थे तो शादी क्यों कर लिए फिर वो बताइए, क्यों शादी कर लिए थे? ये हमको नहीं पता है क्यों किए थे। तो आपसे कुछ बोले होंगे ना कि शादी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपसे बोले होंगे ना कुछ?
हाँ यही तो बोले थे कि आपसे शादी कर लेंगे तो आपके मम्मी को पैसा वैसा देते रहेंगे। अच्छा तो आप मम्मी को पैसा मिलता रहे इसलिए शादी कर ली। बोलिए आपका मन था शादी करने में? नहीं। आपका मन नहीं था? नहीं। तो आप क्यों कई वीडियो में बोल रही थी कि हमको महेंद्र पांडे के पास ही जाना है, उससे अच्छा लड़का नहीं चाहिए, फिर ऐसा क्यों बोल रही थी आप? बोलिए किसी दबाव में है? बोलिए किसी दबाव में है? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों बोल रही थी अभी बताइए। एक वीडियो हम आपका कल देखे जिस वीडियो में आप बोल रही हैं कि महेंद्र पांडे जब आ जाएंगे तो हम उन्हीं के साथ रहेंगे, ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्हीं के साथ रहना है? नहीं। फिर आज बयान पे बयान आप अपना बदलती रह रही हैं, रोज कल कुछ और, आज कुछ और, परसों कुछ और, उससे पहले कुछ और, ऐसे आप क्यों बोल रही हैं? एगो बात का है नहीं बोल रहे हैं आप। कल आप किसी के वीडियो में बोली थी ना कि महेंद्र पांडे जब आ जाएंगे तो हम उन्हीं से शादी करेंगे या उन्हीं के साथ रहेंगे, बोली थी ना? हाँ। तो कहे बोली थी उन्हीं के साथ रहना है? नहीं। कहे कल तो बोली थी कि उन्हीं के साथ रहना है? नहीं नहीं रहना। मतलब 40-45 साल के बूढ़े के साथ रहना है 11 साल की लड़की को? नहीं। आपका उम्र क्या होगा? 11। तो 11 साल तो 45 साल के बूढ़े के साथ रहना है आपको? नहीं। आपको आराम से कोई अच्छा आदमी, अच्छा लड़का मिल सकता है, आराम से शादी करके रह सकते हैं, पढ़ना होगा, अभी तो आपका पढ़ने का उम्र है, पढ़ेंगी, शादी का उम्र होगा, शादी होगा आपका, अच्छे से आप रह सकते हैं, तो फिर क्यों इतना हड़बड़ी क्यों है आपको? बोलिए डरिए मत, खुल के बोलिए जो भी बोलना है। महेंद्र पांडे आपको मारते भी थे? नहीं। डराते भी थे? नहीं। वो क्या करते थे? बोलिए बोलिए, डरिए मत, डरिए मत, बात करिए अच्छे से, क्या करते थे वो? कहीं ना कहीं इस लड़की को भी लग रहा है कि हमारे जो माता पिता थे वो दुख दर्द में थे और माँ का दर्द अब समझ में आया है, बाकी सच्चाई क्या है भगवान जाने। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। जय हिंद।